सहरसा के मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने सोमवार को सहरसा में 5G सेवाएं शुरू कर दी है। सहरसा शहर स्थित इस्लामिया चौक पर 5G लॉन्चिंग कार्यक्रम में जोनल बिजनेस मैनेजर YED शर्मा, जोनल सेल्स मैनेजर प्रशांत कुमार, टेरिटरी सेल्स मैनेजर राजू कुमार, विभास कुमार आदि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जोनल बिजनेस मैनेजर YD शर्मा ने कहा कि एयरटेल के ग्राहक अब मौजूदा 4G स्पीड से काफी तेज गति के साथ अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। एयरटेल 5G प्लस भारत में मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इधर कार्यक्रम के शुभारंभ उपरांत जोनल बिजनेस मैनेजर YD शर्मा, जोनल सेल्स मैनेजर प्रशांत कुमार ने हरी झंडी दिखाकर काफिले को रवाना किया। काफिला इस्लामिया चौक, पंचवटी चौक, कचहरी चौक, थाना चौक, शंकर चौक, गंगजला चौक, प्रशांत मोड़ होते हुए अपने गंतव्य तिवारी तक पहुँचा। बात करें तो एयरटेल एक पहला ऑपरेटर है जिसने अपनी 5G सर्विस स्टार्ट की है और मैक्सिमम एरिया हमने शहर का कवर कर लिया है और जल्दी ये आपके ग्रामीण दूरदराज क्षेत्रों में शुरू हो जाएगी। आज ही हम आसपास के आपके जो कस्बा हैं, चाहे वो मधेपुरा हो, चाहे आपका सुपौल हो, वहाँ भी हम अपनी 5G सर्विस चालू कर रहे हैं और हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो आपका चिकित्सक हो, चाहे आपका किसी वर्ग का लोग हो, उसको 5G आने से डेटा स्पीड में जो 30 गुना वृद्धि होगी उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। वो हर तरह की अपनी टेलीकॉम जरूरतों को पूरी करने के लिए, चाहे ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग हो, चाहे ऑनलाइन गेमिंग हो, सबका वो फ़ायदा उठा सकता है। और इस 5G के आने से सहरसा और सहरसा के वासियों को आई थिंक एयरटेल के साथ जुड़ने का और एक मौका मिलेगा और उसके लिए